इंडिया से गाइस एक हमें और 3-4 कोचेस ने अप्रोच किया हुआ है। 6-9 महीने से खराब खेल रहे हैं, बीजेएमएस भी गुखाया, उसके बाद फिर 1 महीना जाता उसमें भी हम लोग ने गुखाया। हाँ, पहला चीज वो जो बल बोल रहे थे ना इंटरनेशनल कोच का, मैं वो बात कर देता हूँ। वो कोच का देखो गाइस, एक चीज रहता है कि कोई भी एक फॉरेन बंदे को एज ए एम्प्लॉय इंडिया में लेके आते हैं ना, तो कम से कम 50 फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, 50 से ज्यादा। एंड हमारा एक्सपीरियंस इस चीज में था, जैसा FRRO हो गया है। FRRO वो होता है जहाँ से सी फॉर्म वगैरह लेते हैं। सी फॉर्म वो होता है जहाँ पे आपके जो एम्प्लॉई, उसके रहना, उसका एड्रेस प्रूफ वगैरह, जहाँ पे अभी बूट कैंप रहेंगे, उसकी फॉर्मेलिटीज करने को 1 हफ्ता लगता है। एक नहीं, हमको 1 महीना लग गया था पर प्लेयर, जब भी हमारे वैलोरेंट के प्लेयर्स थे। तो एक इंटरनेशनल बंदा लेके आने के, हम तो चाहेंगे कि एक इंटरनेशनल कोच ही आए, बट इंडिया से गाइज एक हमें और 3-4 कोचेस ने अप्रोच किया हुआ है। लाइक आफ्टर BGS दे आर विलिंग टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कोच आर BGMI रोस्टर, ऐसा भी सीन है। एंड लेट्स सी, ये एक फाइनलाइज एक अच्छा जल्दी हो जाएगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हो जाना चाहिए, बाय द एंड ऑफ दिस। एंड ये लोग भी शायद से कल ही रिटर्न आ रहे हैं। लोग ने बोला कि मेरे को नहीं, एक्चुअली शांतनु की बात हुई थी, तो शांतनु ने ये सब चीज़ देख रहा, तो उसको पता है कि कल टीम कल ही आ रही है। R3 R4 से जो अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ड्रॉप हुआ उसकी वजह से लोग गुस्सा हैं, होप्स तो कमबैक तगड़ा हो, इंटरनेशनल जाना है। मतलब एग्जैक्टली माय पॉइंट, मतलब खेल रही थी टीम अच्छा, ऐसा नहीं कि यार मेरे को, क्योंकि बहुत ऐसे टीम्स हैं जो कंसिस्टेंटली गंदा खेल रहे हैं, जो अपना गेम प्ले इंप्रूव ही नहीं कर पा रहे, बहुत टाइम से अटके हुए हैं, लोग उन पर गुस्सा होते हैं। आई गेट इट कि बहुत टाइम से नथिंग इज चेंजिंग। मेरे टीम पर मेरे को कभी कभी गुस्सा आना चाहिए, नो डाउट मेरे को भी गुस्सा आया, बहुत बड़ा इवेंट हाथ से गया, बट यू नो दे वर प्लेइंग वेल अनटिल दे सडनली वेरेंट। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत खराब खेल रहे थे, बहुत खराब खेल रहे थे, 6-9 महीने से खराब खेल रहे, BGMS भी गुखाया, उसके बाद फिर 1 महीना जाता उसमें भी हम लोग ने गुखाया, और फिर हम लोग क्वालिफाई नहीं हो पाए, ऐसा नहीं था मेरे हिसाब से। वी आर प्लेइंग वेल। आई थिंक द बिगेस्ट मिस्टेक जो कल हम अमन ममन के साथ भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एंड आई एग्री विद अमन पॉइंट ऑफ व्यू वेयर ही वॉज टेलिंग मी कि आई थिंक BGMS के बाद हम लोग प्रैक्टिस नो डाउट किए, बट थोड़ा सा ज़्यादा किए, हम लोग बहुत ज़्यादा गेम खेले प्लेयर्स। आई थिंक आई एग्री विद दिस फैक्ट कि ग्राइंड के चक्कर में हम लोग थोड़ा प्लेयर्स थोड़ा ओवरवर्क कर गए। हाँ, तो एंड आई एग्री विद अमन कि बहुत ज़्यादा हम लोग शायद गेम खेले, बाकी सारी एक्टिविटीज़ कम्प्लीटली बंद ही कर दी थी। ये लोग ने जिम जाना, बाहर जाना, थोड़ा सा चिल करना, ये लोग ने कम्प्लीटली बंद कर दिया था। प्लस एक और कौन सा पॉइंट था वो, हाँ, जो हम लोग थर्ड पार्टी इवेंट्स खेले, जो टेक्निकली मैं नॉर्मली उस चीज़ के अगेंस्ट होता हूँ, बट इस बार नहीं था, क्योंकि हम लोग को वो कॉन्फिडेंस वापस लाना ज़रूरी था कि हम लोग जो बाकी के थर्ड पार्टी इवेंट्स खेले, वी प्लेड इट लाइक वी वॉन्टेड टू विन इट, इंस्टेड ऑफ यू नो ट्राइंग टू फिगर आउट न्यू थिंग्स एंड ट्राइंग टू ट्राई डिफरेंट प्ले स्टाइल्स। तो मे बी दैट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वेर अदर्स वेर प्रैक्टिसिंग फॉर BGIS एंड वी वेर प्लेइंग दोस थर्ड पार्टी टू विन इट, एंड मे बी दैट इज वाई वो एक थोड़ा सा फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गया। मे बी आई डोंट नो, दीज आर सम ऑफ द रीजन्स दैट वी हैव डिस्कस्ड कि मे बी दिस इज वॉट वेंट रॉन्ग।